हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी आलू और सेम की बिल्कुल नए तरीके से सब्जी। इसको मैंने आज बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले सेम को कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कट करेंगे, इसके आगे पीछे के हिस्से को कट करेंगे कि ताकि इसके रेशे निकल जाएं। और मैं अब इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ। इसके एक किनारे को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे ताकि इसका रेशे निकल जाए। दूसरी तरफ से भी इस तरह से कट करेंगे। और अब इसी तरह से इसके मोटे मोटे पीस में इन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए मैं एक सेम के तीन पीस में कट कर रही हूँ। देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सब सेम को कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेम को कट कर लिया है। कितने अच्छे से देखिए मैंने इन्हें कट कर लिए। कुछ सेम के मैंने बीज भी निकाल लिए। अच्छे से देखिए मैंने इन्हें कट करके धो लिया है। और साथ में काटे हैं मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस में कट किया है। इसको भी मैंने कट करके धो लिया है। साथ में लिया है मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 1 चम्मच के करीब राई और 3 से 4 लिए मैंने हरी मिर्च। इनको पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें पीस लिया है। तो चलिए अब गैस के पास चलते हैं। कढ़ाई रख दी मैंने यहाँ गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो गई और मैं उसमें डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। सेम की सब्ज़ी जब इस तरह से बनाते हैं तो सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है। और मैं अब इसमें डाल दूँगी कटे हुए आलू। आलू को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। जब इस तरह से आलू फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे कि आलू सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और मैं अब इसमें डाल दूँगी सेम। और अब सेम को भी आलू के साथ ही फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इन्हें चलाते रहेंगे जिससे कि ये सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से इनमें कलर आया है। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधे चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा तीखा ज़्यादा बनाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पे आप मिर्च थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें हरी मिर्च भी पीस के डाली है तो सब्ज़ी थोड़ी चटपटी बनेगी। अब अच्छे से इसे मसालों में मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से सबको मिला लिया है। और मैं अब इसमें मसाला डाल दूँगी, राई और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे सेम और आलू के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और मैं अब इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1 गिलास। अच्छे से इन्हें पानी में मिला लेंगे। और अब इसे ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि आलू और सेम अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आलू चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे आलू पक गया है, सेम भी पक चुका है। थोड़ी देर इसी तरह चलाते रहेंगे। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये लीजिए सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब गैस बंद कर देते हैं। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए सेम की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसे आज बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। ये सब्ज़ी चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।